हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसिलर, एनएलपी ट्रेनर और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। किसानों की आत्महत्या के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि किसान काफ़ी मात्रा में खुदकुशी करते, आत्महत्या कर लेते हैं, और इसका कारण मुख्यतः उनके ऊपर जो कर्जा है उसके लिए वो आत्महत्या करते हैं या खुदकुशी करते हैं, ऐसा बताया जाता है। किसानों के खुदकुशी के लिए काफ़ी सारे मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन छेड़े, और उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनका उनका जो कर्ज माफी थी उनकी, उसका कर्ज माफी का निर्णय ले लिया। इसके पहले भी ऐसी कर्ज माफी हुई है, ऐसा नहीं कि हुई नहीं है, और फिर उनके ऊपर कर्जा तैयार हुआ। तो ऐसा कितने साल हम करते जाएंगे, कितने साल हम किसानों को कम गिनते जाएंगे? वो कम है, वो कमजोर है, वो वीक है, और उनको कर्ज माफी करनी चाहिए, ऐसा हम कितने साल करेंगे? सवाल कर्ज माफी करना या नहीं करना उसका नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि अभी तो कर्ज माफी हुई, अभी इसके बाद में कर्जा उनके ऊपर होगा ही नहीं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हर इंसान को शक्तिशाली बनाना और उसकी क्षमता बढ़ाना जरूरी है ताकि वो फिर से कर्जा ना कर सके। तो उसके लिए किसानों की शिक्षा करना, मतलब उनको एजुकेशन देना और उनको बताना कि भाई क्या करे, वो किस तरह का काम करे, किस तरह की खेती करेंगे, किस तरह का अपना जीवन बिताएंगे ताकि उनके ऊपर कर्जा होगा ही नहीं। आज हम हमारे समाज में इस तरह का जीवन जीते हैं कि नहीं, लड़की की शादी करना है तो इतना तो खाना खिलाना ही पड़ेगा, इतने लोगों को इतना खर्चा करना ही पड़ेगा, इतना दहेज देना पड़ेगा, बच्चे को बड़े स्कूल में भेजना पड़ेगा क्योंकि वो स्टेटस का सिंबल है कि नहीं मेरा बच्चा शहर में जा रहा है और पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ने का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर वो भी करने का है। अच्छा दिखने के लिए काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, मोटर बाइक लेनी पड़ती है, अच्छा मकान होना, मतलब लोगों के खर्चे बढ़ चुके हैं। और चद्दर देख के अपने पैर फैलाओ, ऐसा हम बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा है, मैं बोलता हूँ कि हाथ पैर फैला लो और चद्दर बड़ी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कर्जा निकाल के कोई भी त्यौहार जो है वो मनाने का नहीं है। और उसी तरह उनको ये शिक्षा देना पड़ती है, ये शिक्षण देना पड़ता है कि भाई हर किसान शक्तिशाली रूप से उसकी क्षमता बढ़ाएगा और शक्तिशाली रूप से उसका जीवन जिएगा ताकि वो आर्थिक आर्थिक जो भी पूरी उसकी कैपेसिटी है उसमें वो शक्तिशाली जीवन जिएगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आर्थिक कमजोर ना रहे होते, आर्थिक रूप से शक्तिशाली कैसा होगा और उसके लिए क्या करना चाहिए? अब हमारे हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं कि जो लोगों को, जो किसानों को डिप्रेशन आता है, मतलब जो निराशा के शिकार बनते हैं इसकी वजह से कि भाई कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसके लिए निराशा आती है, उसके शिक्षा शिकार बनते हैं और फिर खुदकुशी के विचार आते हैं, उनको हम काउंसलिंग करते रहते हैं। काउंसलिंग करके जो कंडीशन है लाइफ की, ये जीवन की जो कंडीशन है, जो अवस्था है, उसके ऊपर उनको वो प्रभावी रूप से कैसे मात कर सकेंगे, उसका प्रभावी रूप से कैसा सामना कर सकेंगे, उसके लिए हम उनको काउंसलिंग करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति इस तरह से उनको काउंसलिंग करेगा, शासन के उनके स्तर पे, उनके लेवल पे शासन ने काफ़ी सारी योजनाएं बनाई हुई है, तो वो सिर्फ पैसा अनुदान देना या कर्ज माफी करना या ना करते हुए शासन ये भी करेगा कि उनके ऊपर फिर से कर्जा होगा नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। वही देखिए, उनको काउंसलिंग किया, उनको ट्रीटमेंट किया, डिप्रेशन आता है तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि सिर्फ फाइनेंस नहीं है, मतलब पैसा नहीं है इसलिए कोई आत्महत्या करता नहीं है, पैसा नहीं है करके उसको डिप्रेशन आता है, कर्जा आया करके उसको डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन की वजह से वो करता है। वैसे ही काफ़ी सारे लोगों को शराब की नशा रहती है, मतलब वो शराब की नशा करता है और शराब के नशा में भी वो आत्महत्या कर खुदकुशी कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, तो फिर उसका भी इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्जा आया करके आत्महत्या कर रहा है, उसको डिप्रेशन वैसे ही बिना कुछ वजह का भी डिप्रेशन आ सकता है, या घर में पति पत्नी की जमती नहीं है, पट्टी नहीं है, इसलिए डिप्रेशन आ सकता है, मतलब काफी सारे वजह है। तो खुदकुशी करने के अनेक जो कारण है उसमें का एक बड़ा कारण जो है वो डिप्रेशन है।
तो उसको हम यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो हर किसान शक्तिशाली रूप से अपना जीवन जी सकता है, क्षमता उसकी हम बढ़ाते हैं तो शक्तिशाली रूप से उसका जीवन वो जी सकता है, अपनी आय बढ़ा सकता है और एक नया समाज का निर्माण हम कर सकेंगे। हमारे देश का हर किसान शक्तिशाली हो, बलशाली हो, आर्थिक दृष्टि बलशाली हो, आर्थिक क्षमता उसकी बड़ी हो, वो हमारा एम है और उसके लिए हम सदैव कार्यरत है। तो ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपके परिचित जो किसान होंगे, आपके परिचित जो लोग होंगे उनको वीडियो ये शेयर करो। आपकी जो भी कमेंट होंगी इसके बारे में, क्योंकि मैं इसके बारे में और कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो। और भी आप कुछ वीडियो चाहते हो इसके बारे में बनाना और कोई भी बातों में या कोई भी विषय में, तो वो भी आप लिखो और हर व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको पता चले कि भाई कोई दिमाग में कोई चल रहा है उनका, कि जिसको कोई काउंसिलिंग करके हम अच्छा इसका इलाज कर सकते हैं तो उसका इलाज करेंगे। हर इतवार को हमारे यहाँ हम पूरा फ्री इलाज करते हैं, कोई उनको फी देनी नहीं पड़ती है, दवा भी मुफ्त मिलती है, हम खाना भी खिलाते हैं। तो इतवार के रोज हमारे हॉस्पिटल में, केड़कर हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में, हम उनका इलाज करते हैं। तो उनको आप भेज सकते हो, ये आपको वीडियो लाइक आप करते हो तो ये लोग जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।